हमारी आयुर्वेद चिकित्सा का जो मूल सिद्धांत है वो जान लेना चाहिए। सिद्धांत ये है कि कोई व्यक्ति बीमार कब पड़ता है और कोई व्यक्ति स्वस्थ कब रहता है। बीमार कोई भी व्यक्ति तब पड़ता है जब उसका वात, पित्त और कफ तीनों असमान होते हैं, असंतुलित होते हैं। और कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब रहता है जब वात, पित्त, कफ तीनों उसके संतुलित होते हैं। तो वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन अगर है तो जीवन में आपको कभी रोग आएगा नहीं। और अगर वात, पित्त, कफ में असंतुलन है, टूट फूट है, तो हमेशा रोग आने वाले हैं और आप परेशान हो जाने वाले हैं। वात के असंतुलन से हमारे शरीर में 80 रोग आते हैं, 80, 8 और 0, 80। पित्त के असंतुलन से हमारे शरीर में 40 रोग आते हैं, 4 और 0, 40। और कफ के असंतुलन से 28 रोग आते हैं। सबसे कम कफ के रोग हैं, सबसे ज्यादा वात के रोग हैं, पित्त वाला बीच में। कफ के रोग क्या क्या हैं? मोटे मोटे कुछ रोग बताता हूं ताकि आपको पता रहे। मोटापा होना, ये कफ का सबसे खराब रोग। वजन बढ़ना, ये कफ का सबसे खराब रोग। थायराइड की समस्या पैदा होना, ये कफ का सबसे खराब रोग है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, एक में थायराइड बढ़ता है, एक में घटता है, कफ की सबसे खराब समस्या। सर्दी होना, जुकाम होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या। खांसी होना, बलगम जमा होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या। आंखों में मोतियाबिंद होना, जिसको आप कैटरेक्ट कहते हैं, ये कफ की समस्या है। कान में सुनाई नहीं देना, ये कफ की समस्या है। नाक से हमेशा पानी बहना, नजला होना, ये कफ की समस्या है। कान में से पानी आना, ये भी कफ की समस्या है। आंखों का लाल हो जाना, कफ की समस्या है। आंखों के आसपास काला घेरा हो जाना, कफ की समस्या है, जिसको डार्क सर्कल आजकल कहा जाता है। हमारे चेहरे पर फोड़े, फुंसी हो जाना, या तो कील मुहासे हो जाना, कफ की समस्या है। चेहरे की त्वचा का रंग बदल जाना, कफ की समस्या। ऐसे कफ के 28 रोग। मोटी सी एक जानकारी दूं, अगर आप योग शिक्षक हैं तो आपको ये बहुत काम आएगी कि छाती से लेकर, यहां से लेकर मस्तिष्क के आखिरी हिस्से तक, इस इलाके के जितने रोग आप जानते हैं वो सब कफ के रोग, सब के सब। अब आपको जिंदगी भर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित रहे आपके, तो आप रोगी नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या है? वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलन रखने के लिए महर्षि बागभट्ट के कुछ सूत्र याद रखने और याद रख के उनको जीवन में पालन करना है। पहला सूत्र है उनका, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। ये पहला सूत्र, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। सूत्र को उन्होंने लिखा है जिस तरह से, वो मैं बताता हूं। ये मैंने भाषांतर करके बोल दिया आपको, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। महर्षि बागभट्ट ने ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है भोजनांते विषम वारी, ऐसे लिखा। भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, विषम, विषम माने विष के जैसा, वारी, वारी माने पानी, भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, ये है सूत्र। मतलब भोजन के अंत में पानी ना पिए, मैंने सरल कर दिया उसको। अब क्यों ना पिए? कारण उसका एक है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना सारा पेट में इकट्ठा होता है, एक स्थान है उसको जठर कहते हैं। जठर स्थान पे खाना जब आता है तो अपन अपने आप अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही पेट में अग्नि है, वो जठर अग्नि है। अग्नि जलती है तो खाना पचता है, अग्नि नहीं जलती तो खाना नहीं पचता। तो आपने खाना खा लिया, पेट में अग्नि जली, अग्नि ने जैसे ही जलना शुरू किया आपने पानी पी लिया, और खूब ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर।
फ्रिज से निकाल के बोतल गटक दे। अब क्या होगा, अग्नि बुझ गई, अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं बचेगा, तो खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सबसे ज्यादा बीमारियां इसी में आती, इसलिए बागवत जी ने पहला सूत्र ये लिखा, भोजनान्ते विषम वारी, खाने के बाद पानी नहीं पीना। दूसरा नियम है, पानी जब भी पिए घूंट भर के पिए, सिप करके पिए, जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पिए। ऐसे कभी भी पानी ना पिए, गिलास लगाया और लगातार पिया, ये गलत तरीका है। पानी पीने का तरीका है, एक घूंट पिया, थोड़ी देर रुके, एक घूंट पिया, फिर रुके, फिर पिया, फिर रुके, फिर ऐसे पानी पिए। इसका क्या लाभ है, मुंह में आप जानते हैं लार बनती है, ये लार जो है ना पेट के तेजाब को शांत रखती है। पेट का जो तेजाब है ना वो एसिडिक है, विज्ञान की भाषा, और मुंह की लार जो है वो एल्किलाइन है, क्षारीय है। तो ये क्षार है, यहाँ अम्ल है, अम्ल और क्षार मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो मुंह की लार बार बार पेट में जाए ताकि पेट का तेजाब शांत रहे, इसके लिए कहा गया घूंट घूंट पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, ठीक है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है, तेजाब शांत रहती है, उनको जिंदगी में रोग नहीं आते। अम्लता अगर आपकी शांत है, एसिडिटी, कोई रोग आने की संभावना नहीं। दुनिया के सारे खराब रोग जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत तेज होकर हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर पैरालिसिस हो जाना, ये सब खराब बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती है। जब रक्त में एसिडिटी बढ़ती है तब ये बीमारियां अपने चरम पर पहुंचती है। लेकिन रक्त में एसिडिटी बढ़ती कहाँ से है, वो पेट से बढ़ती है। पेट में एसिडिटी कब बढ़ेगी, जब आप घूंट घूंट पानी नहीं पिएंगे तो लार बार बार अंदर नहीं जाएगी तो समस्या आएगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया पानी घूंट घूंट पिए। तीसरा नियम है, सवेरे सोकर उठे सबसे पहले पानी पिए। वाम स्वामी जी का आपने सुना होगा व्याख्यान, तो उषापान की बात वो करते हैं। उषापान का मतलब यही है, उठते ही पानी पीना। हालांकि उषापान का सही अर्थ है सवेरे 4:30 बजे उठकर पानी पीना, क्योंकि उषा का वही समय है। अब दिल्ली वासियों के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सवेरे 4:30 बजे उठें, क्योंकि उनका 4:30 बजे उठना तब संभव है जब रात को 8 बजे सो जाए। 8 बजे दिल्ली में सोना तो स्वर्ग की बात है, कल्पना की बात, संभव ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जब उठें तो पहले पानी पिए, आपकी जब दिन हो जाए, जब सवेरा हो जाए उठते ही पानी पिए, कम से कम 3 गिलास, बिना प्यास के, घूंट घूंट भर के। कोई कहेगा हमें प्यास नहीं लगती तो भी पीना ही है, ये तो घूंट घूंट भर के। इस पानी का फायदा, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, रात को आप सो गए, सोने के बाद मुंह में लार बनी, वो जमा है, घूंट घूंट पानी पी लेंगे, सब लार नीचे चलेंगे। दूसरा फायदा, उठते ही आप पानी पियेंगे तो पानी सारा बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में मल फंसा रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मल को बाहर निकालेगा। जैसे ही पानी मल को निकालना शुरू करेगा प्रेशर एकदम बनेगा आपको, आप तुरंत टॉयलेट में जाएंगे और 5 मिनट में फ्रेश होकर वापस आएंगे। तो आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि शरीर ठंडा मत होने दीजिए, इसको गर्म रखिए। तो ठंडा शरीर ना हो इसके लिए ठंडा पानी मत पीजिए, नहीं तो क्या होगा, ठंडा पानी बार बार पीते रहेंगे, शरीर में तकलीफें शुरू होंगी। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पी लेते हैं तो शरीर का जो पेट है वो पानी को गर्म करता है। पानी को गर्म करने में पेट को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा ब्लड में से ही आ सकती है, खून में से आ सकती है, और खून को फिर सारे शरीर से पेट की तरफ दौड़ना पड़ेगा, तब पानी गर्म होगा। शरीर का सारा खून पेट में जाने लगे तो बाकी अंगों को खून की कमी पड़ जाएगी, और वो खून की कमी हमेशा के लिए कोई डैमेज कर जाएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कभी भी ठंडा पानी
गलती से भी ना हो, ठीक है। चार नियम हो गए। पांचवा नियम है, हमेशा खाना खाएं तो चबा चबा कर खाएं, इतना चबाएं जितने आपके दांत, दांत आपके 32 हैं तो 32 बार चबाएं, ताकि अच्छे से लार मिलकर अंदर जाए और अच्छे से खाना पचे। इसके बाद छठा नियम है कि खाना जब भी खाएं तो जमीन पर बैठ के खाएं। जमीन पर बैठने से क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल हमारे पेट पर केंद्रित है, पेट की नाभि पर गुरुत्वाकर्षण होने से नाभि चार्ज्ड है, नाभि के पड़ोस में जठर है वो चार्ज्ड है, जठर के चार्ज होने से अग्नि तेज होगी, खाना जल्दी पचेगा, इसलिए बैठ के। उसके आगे का सातवां नियम है, दोपहर को जब आप खाना खाएं तो आराम जरूर करें, कम से कम 48 मिनट, क्योंकि दोपहर को खाना खाते ही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक तो सूरज की धूप होती है दोपहर को और अंदर की गर्मी, दोनों मिलाकर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ेगा तो आराम ही करना पड़ेगा, काम नहीं कर सकते, तो दोपहर का खाना खाके आराम करें। सबसे अच्छे आराम करने की मुद्रा होती है लेफ्ट साइड में लेटना, बाईं तरफ करवट लेके लेटना, इसको वाम कुक्षी कहते हैं। ज्यादा नहीं लेटना, फिर मोटापा आता है, 48 मिनट तक लेटना तो अच्छा है, उसमें नींद आ जाए तो ले लेना, ज्यादा लेंगे नींद तो फिर मोटापा बढ़ेगा, इसलिए ध्यान उसका रखना। इसके आगे का आठवां नियम है कि रात को खाना खाने के 2 घंटे तक आराम नहीं करना, 2 घंटे बाद ही करना। रात के खाने के बाद पैदल चलना बहुत जरूरी है, 1000 कदम, उसके बाद कुछ और काम करके फिर आराम करें 2 घंटे के बाद, क्योंकि रात को ब्लड प्रेशर कम होता है और कम ब्लड प्रेशर में आराम करना खतरनाक है, ऊंचे ब्लड प्रेशर में हाई बीपी में काम करना खतरनाक है, लो बीपी में आराम करना खतरनाक है, तो इसलिए रात को 2 घंटे बाद आराम करें, दोपहर को तुरंत आराम करें। इसके बाद का नवा नियम है 9th, कि आप जब खाना खाएं तो 2 चीजों को ध्यान रखें, एक साथ ऐसी ना खाएं जो एक दूसरे के विरोधी, ठंडा गरम साथ में ना खाएं, दूध और दही साथ में ना खाएं, उड़द की दाल और दही साथ में ना खाएं, खट्टे फल और दूध साथ में ना लें, कटहल की सब्जी के साथ दूध ना खाएं, कच्ची प्याज खा रहे हैं तो दूध नहीं खाएं, दही में नमक डाल के ना खाएं, हमेशा दही में मीठी चीज डालें। ये आपको थोड़ा झटका लगेगा, ये क्या बोल दिया, दही में नमक ना खाएं, क्योंकि रायता तो बिना नमक के बनता नहीं है। बात ऐसी है कि ये जो दही है ना, ये जीवाणुओं का घर है, अगर आप लेंस लगा के देखेंगे तो दही में लाखों जीवाणु होते हैं, हम लोग अंग्रेजी में उनको लैक्टोबैसिलाइज कहते हैं, ये जीवाणु जीवित चाहिए पेट को, आप दही में एक चुटकी नमक डाल दीजिए सब जीवाणु 1 मिनट में ही मर जाते हैं, अब मर गए तो दही खाया वो बेकार, इसलिए जीवित जीवाणु दही के साथ आने चाहिए। तो कहा गया है कि दही बिना नमक के खाए, या दही में बूरा डालें, खांड डालें, गुड़ डालें, तो बूरा खांड और गुड़ से जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज बढ़ती है, घटती है, बढ़े हुई संख्या के जीवाणु आपको चाहिए। आखिरी नियम है, माताओं के लिए ये नियम है विशेष रूप से, घर में खाना बनाते समय कोई भी बर्तन ऐसा इस्तेमाल ना करें जो चारों तरफ से बंद हो। हाँ, हमेशा खाना बनाने वाला बर्तन खुला हुआ हो, आधा खुला आधा बंद है तो भी चलेगा, पूरा बंद ना हो, क्यों, बाहर की हवा खाने को बनाते समय अंदर प्रवेश करनी जरूरी है। भागवत जी ने कहा कि भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श, दोनों में से कोई एक चीज आवश्यक है, या तो भोजन बनते समय सूर्य का प्रकाश गिरे, नहीं तो पवन का स्पर्श हो, हवा उसमें आए। अब यह तभी संभव है जब बर्तन खुला हुआ हो, मतलब सीधा सा ये है, भागवत जी कह रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना ना हो। अब प्रेशर कुकर बागवंटी जी के जमाने में नहीं था, लेकिन नियम उन्होंने तभी लिख दिया, उनको शायद ये अंदाजा था कि ये आदमी किसी ना किसी दिन बना लेगा इसको।
अब ये बात मैंने मजाक में कही लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। ये प्रेशर कुकर का चक्कर बड़ा खराब है। आप जानते हैं प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है, धातु है, खाना बनाने के लिए और पकाने के लिए। मैंने एक सर्वे किया था आज से 10 साल पहले कि गरीबों को सबसे ज्यादा अस्थमा, दमा और टीबी क्यों होती है गरीबों को। उस सर्वे का रिजल्ट आया कि सारे गरीब लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं और खाते हैं, यही उनके दमा और अस्थमा का कारण और टीबी का कारण।